गुंजन में राधा गुन गायो पर। सभी भक्तों से मेरा निवेदन, दोनों हाथ ऊपर उठा करके रस भानु नंदिनी श्री लाल बीजू का एक बार जय करा। बोलिए बरसाने वाली की जय, वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, गुरुदेव की लालनी की जय, संतन हितकारी की जय, छैल छबीली की जय, रसिक रसीली की जय, गुणगर्वीली की जय। मेरी जीवन मूल बरसाने वाली की जय, जय प्रेम सरोवर छाड़ के क्यों भटके है तू चित विचारन में, यहां गेंदा गुलाब अनेक खिले क्यों बैठो करील की छान में। प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही रहुओ कर सूधे सुभायन में, मन तो है मिले विश्राम यही बैसुरान किशोरी के पास। मन तो है मिले विश्राम यही विश्वान किशोरी के पायन में, मन तो है मिले विश्राम यही विश्वान किशोरी के पायन में। जय जय श्री राधे दीवाने मन। देखिए बड़े भाग्य जिससे ये संत समागम होता है, इस समय जो महाराज जी के उपस्थिति में उनके आशीर्वाद से यहाँ पर सब भक्त लोग आए हुए हैं। बिना गुरु वैष्णव की कृपा से कोई आ नहीं सकता धार्मिक आयोजन में, बड़े व्यवधान आते हैं। तो विशेष कृपा भगवान की होती है तो गुरु वैष्णव के रूप में ठाकुर जी आते हैं, और जब भगवान जब आते हैं गुरु वैष्णव के रूप में, जब गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं, फिर उनकी भक्ति भी सहज सुलभ हो जाती है। दीवाने मन ताली बजाने से भी भगवान की सेवा हो जाती है। तो ये हमारे संत बैठे हुए हैं, गुरु महाराज बैठे हुए हैं, हमको ठाकुर जी देख रहे हैं, ये ध्यान रखना, हमको ठाकुर जी देख रहे हैं, उसको जानते हैं। दीवाने मन जय हो, दीवाने मन राधे राधे कही, दीवाने मन राधे राधे कही,
Thank you.
नारद जी ने देखा अभी तक तो कोई हाँ भरा ही नहीं, एक व्यक्ति हाँ भरा, बस नारद तो पीछे पड़ गया। बोले बताओ कब आओ, बोले सगाई होगी शादी हो जाएगी बोले चलेंगे। बोले कब आओ, बोले कुछ दिन बाद में आओ। जब घूम फिर करके नारद जी आए, क्योंकि ठाकुर को बोल करे ना वैकुंठ भर दूंगा, आए बोले क्यों कैलाश बेटा का शादी हो गई? बोले आपका आशीर्वाद से बहुत बढ़िया बहू आई, सवेरे उठते ही चरना छुट्टी है और चाय पानी देती है और परेठा गरम गरम परेठा खिलाती, बहुत बढ़िया बहू आई इसलिए। बोले चलो शादी होगी घर में, बहू आ गई कोई चिंता नहीं। वैकुंठ चलो, बोले देखो कहते पुत्र होने से पूत नाम का नरक से उद्धार होता है, हमने देखा अगर पोता को देखना किस स्वर्ग होता है, इसलिए बहू अभी गर्भवती है, अभी घर में पोता होने वाला है, बस अभी कोई काम धाम नहीं, बस केवल पोता को देखने का एक इच्छा, फिर उसको साथ बाद में सीधा। नारद जी बोले हाँ तो कम से कम भरा तो वही हाँ हुआ है। बोले ठीक है इसको देखता हूँ। कुछ दिन बाद में आया, देखा कैलाश है ही नहीं। उसको बच्चे को पूछा बेटा पिताजी कहाँ? बोले पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। बोले हे भगवान, एक चेला बनने का था वो भी सुधार गया बड़े कष्ट से एक चेला बनने वो भी सुधार गया। लेकिन नारद जी देखा ये घर छोड़कर कहीं नहीं गया, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं बोले जम जम व्यापी शरणम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भव भाविता। कृष्ण कहते हे अर्जुन, मरते समय जीव जैसे चिंता करते करते ये शरीर छोड़ता है, ठीक वैसे ही उसका जीवन प्राप्त होता है। इसलिए भागवत सुने होंगे भरत महाराज अंतिम समय में हिरण को चिंतन करते करते मरते हिरण मर कर गया है। इसलिए कभी कभी देखना ना घर में कोई पोता हो नाती हो, बोले देखो उसको दादा से जिन्हें से अंगुल दिख जाए, ये बच्चा सो जाता है नहीं रहता, इसकी घर में देखना पड़ता है। बोले कब चलोगे? बोले ये बच्चा थोड़ी सी होनहार बन जाए ना फिर तो मैं चलूंगा। इतने बोले कब आओ? बोले कुछ दिन बाद में आओ। फिर जब कुछ दिन बाद में आया देखा फिर वो कुत्ता है ही नहीं। बेटे से पूछा भैया कुत्ता कहाँ गया? बोले गुरु जी इतने बढ़िया कुत्ता था क्या बताऊं, तो निश्चित तो होकर रात में सो जाता था ये कुत्ता, इस कुत्ते बैल बनकर। बोले तू बता कब जाओगे? तेरे जीवन में तीन तीन जन्म तेरे पीछे घूम गया, कब जाओगे? बोले गुरु जी बच्चा थोड़ी सी समझदार बन जाए, बच्चा थोड़ी सी समझदार बन जाए। बोले कब आओ? बोले कुछ दिन बाद में आओ। आकर देखा वो बैल भी मर चुका है। बोले गया था? बोले बैल मर गया है। देखा गया का? देखा पहले पहले अंडा मारता अपना बाप का कमर ही तोड़ जाए, सांप का कमर टूट जाए ना, देखना सांप नहीं भाग पाता है। बोले वहां फेंको। फिर गड्ढा खोदा तो सचमुच से देखा वहां कल से निकला और उसमें सोने चांदी की उसमें सोने चांदी की पैसा था। जब वो ले जा रहा था ना आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा था, क्यों? उसमें आसक्ति थी। अरे नारद जी बोले क्यों कैलाश, देख लिया पहला तो कुत्ता बना, फिर बैल बना, फिर सांप बनकर जन्म लिया और देखा अपना बेटा ही कमर तोड़ दिया, भजन करोगी नहीं? बोले बस भगवान खुद कहते हैं देखो मैंने तुमको ये हरि का नाम दिया है, अब ये हरि का नाम को तुम जप करो। बोले कैसे जप करो? ध्यान देकर सुनो। बोले यह जप किया सबे करिया निर्भर, नियम करके जप करो। आज इच्छा हो गया थोड़ा प्रभु का नाम लिया, ये तो कल माला जहां लगता है लगता है, प्रभु का नाम से कोई मतलब नहीं, ऐसे नहीं, दर्पण साफ हो जाएगा पहला। दूसरा लाभ है बोले भव महादावाग में निर्पापन, ये संसार ने दिया, ये भव मतलब तो होना, मतलब पुनरपि जन्म पुनरपि मरना, फिर जन्म ले रहे फिर मर रहे हैं फिर माँ के पेट में जा रहे हैं। माँ के पेट में आना मतलब क्या जानते हो? भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते बोले माँ, माँ के पेट में आना नरक में आना बराबर है। पेट में क्या है? टाटी पेशाब खून पी का कुछ है ही नहीं, 9 महीना तक सर लटका करके टांग ऊंचा करके उसके अंदर में टाटी पेशाब कली में रहते पेट में बोल करके आया था ना दिन रात भजन करोगे, भजन करोगे ये बोल करके आया था ना,
कितना माला जप कर रहे हो, कितने समय टीवी पे डंडा सुन रहे हो, डंडा है कमर तोड़ दूंगा तुम्हारी पे, कल एक एक वार्निंग तब भी नहीं सुनोगे ना, फिर पंचमा वार्निंग नहीं, बलराम ना सत्य है, फिर तो सत्य बोलो गत्य है, समझ रहे हो, ये कर दूंगा। लेकिन आप देखना, अब देखो जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसके लिए आरती सजाते हैं, अर्थ में लेटा देते हैं, उसका हाथ पैर को बांध देते हैं, देखे होंगे, लेकिन स्वर्ग पास आते हैं, आप देखना उसका हाथ पैर को बांध देते हैं लेकिन स्वर्ग ऊपर के तकिया रहता है, जब ले जाते हैं तकिया में सर ऐसे करता है, जब ले जाते राम नाम सत्य है गोपाल नाम, मतलब राम का नाम ले लेकिन उसी समय भी सर ऐसे लेता है, बोले नहीं नहीं बा अभी भी नहीं लूंगा, बोले अभी नहीं लोगे, मर गया तो भी नहीं लोगे, अरे बेटा यही तो जाएगा, बोले नहीं लूंगा, बोले चल तेरे को दिखाई बजा सिखाएंगे, बोले क्या फिर चीता सजाएंगे, लकड़ी का चीता सजाएंगे, तो कंडे का चीता सजाकर उसको लेटा दे, लेटा करके बोले बेटा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, जोर जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दुख कष्ट को जो हर ले, दुख कष्ट को जो हर ले, दुख कष्ट को जो खत्म कर दे है हरे कृष्ण, मतलब क्या प्रमाण देख लो, इसका प्रमाण देख लो, हम संसार में सब दुखी, सबके सब दुखी, कोई सुखी नहीं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हो, संसार का कोई दुख तुम्हें याद है, संसार का जो दुख तुम्हें कोई याद है, क्योंकि जो भगवान की कथा सुनते हैं ना वो बांके बिहारी की गोद में बैठते हैं, हरि कथा मतलब हरि कोथा है, मतलब हरि कहाँ है, मतलब हरि कथा में, जहां पर उनकी कथा हरि, समझो ठाकुर की गोद में तुम बैठे हो, श्री राधा विनोद बिहारी लाल की, हरि नाम संकीर्तन की, आप देखना कथा जब खत्म हो जाएगी, केवल ये गेट से बाहर निकलो, केवल ये गेट से बाहर प्यार रखो, रखते ही ना सारे संसार का दुख पहाड़ रूप में बढ़ जाएगा, घर में जाने पर देवर से बनता नहीं, दो रात से बात नहीं होती, बेटी को घर में ये जंजाल है, पति को साथ में बनता नहीं, बस ये गेट पार करते ही ना जितने सारे दुख पहाड़ रूप में बैठ जाएगा, और मारे भी। प्रेम ढाई अक्षर पढ़ा सो पंडित सोई, जो प्रेम रूपी जो ढाई अक्षर जो जीवन पढ़ लिया ना, असली पंडित वही है जो ठाकुर का प्रेम को जो पढ़ लिया है, हैं? इसलिए विद्या रूपी बधु का जीवन क्या प्रभु का नाम है, हैं? अगर प्रभु का नाम कर रहे हो तभी तुम्हारी पढ़ाई का सार्थकता है, जब तक दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी नाम रहेगी, जैसे अभी मोदी, मोदी कौन है भारत का, बोलो मोदी कौन है, प्राइम मिनिस्टर है ना, लेकिन कितने साल के, कितने साल के, बोलो 5 साल के ना, अगर 5 साल के बाद में पर्यावरण नहीं आएगा तो वही पूछेगा जोगी कितना साल के लिए, 5 साल के लिए, अगले साल नहीं आएगा तो फिर वो कोई पूछेगा, पूछेगा ये जगत का बड़े से बड़े पोस्टर ना 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवान की भक्त अगर कोई बन गया ना, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी नाम होते रहेगी जगत में, इसलिए बड़ा बन तो क्या किसी भगवान की भक्त बनकर बड़ा बनो, इसलिए बोले कहते जो आनंद रूपी जो समुद्र है हर्ष में बढ़ते रहेगी, दिल्ली वाले जपेगा, दिल्ली वाले नहीं, कौन जप क्या मतलब, इसका मतलब जिसका जिसका दिल कमजोर है ना वो प्रभु का नाम नहीं जप करेगा, बात मत करो, इसलिए जिसका दिल कमजोर है ना प्रभु का नाम नहीं जप करेगा, माता जी वहीं बैठ जाओ, अब जहाँ वहीं पर बैठ जाओ, कोई इधर उधर जा रहे हो वहीं बैठो,
इसलिए जिसका कमजोर है ना हृदय वो नहीं करेगा, जिसका दीन जोर ताकत है शक्ति वही करेगा। मतलब क्या है देखना, इसी जगत में शराब पीने के लिए शराब नहीं करना, सच्चा लेना अभी से क्या पाला कर रहे हो। लेकिन देखो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे, प्रहलाद महाराज कहते हैं बच्चों को कह रहे हैं, ध्यान देकर सुनो, बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवत निह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थतः। अच्छे तरह से इसको सुन लो, जो सब यहाँ के हमारे बच्चे और माता है, जाति काट रखा हुआ है, अभी कोरोना आई थी ना, कितने उम्र में लोग मरे, कोई जाति काट रही है, हमारे पास में इतने साल में मरेंगे कोई बोल सकता है? हमने जो श्वास छोड़ा है दूसरा वाला भी श्वास ले सकते हैं, किसके पास में गारंटी क्या है? कोई गारंटी नहीं। कहते कोरोना के बाद तीसरी लहर आ रही है, इसलिए कहते बच्चों के लिए, इसलिए कहते भैया निश्वास नयो विश्वास कदार भविष्यति, ये निश्वास कब बंद हो जाएगा कोई नहीं बोल सकते हैं, हैं? कोई नहीं बोल सकते हैं। तो जीवन तुमने बिताया उसको बाद में ये एक बार तुमको मानव शरीर मिला, इसलिए भगवान राम कहते हैं बड़ी भाग्यमान सतन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रथन गावा। देवता लोग भी ये भारत भूमि में मानव जन्म के लिए तरसते हैं, और तुम लोग एक तो भारत भूमि में फिर गुजर घर में जन्म ले लेना इतने आसानी बात नहीं है। तुम लोग गुजरी गुजरी ना, कितने गुजरिया खोल खिवरिया, इतना स्कूल में नहीं भेजते तुमको, थोड़ी सी लिखा मेरा घर अपना घर 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 गृहस्थ संभाल ले, है यही करते थे ना, यही करते थे, घर गृहस्थ अच्छी तरह से चल जाते। अभी जो जितने ज्यादा लिखी बड़ी होती है घर गृहस्थ नहीं रहती है, घर गृहस्थ उनको संभाल नहीं रही है, बड़ी गड़बड़ी हो रही है, बड़ी गड़बड़ी उल्टा पुलटा हो रही है। इसलिए तुम लोग जो पर्दा करती हो ना बहुत अच्छी चीज है, ये हमारी संस्कृति, ये गोपियां अभी भी ब्रज में जाओगे तो पर्दा करती है, जब तक ये पर्दा रही तब तक घर में शांति सुखी है, मत समझो ज्यादा दो दो तीन तीन कुत्ते लेकर। एक एक गुजराती था हमारे भक्त था, मैंने कहा भाई सबका हाथ में कुत्ते क्यों? बोले महाराज जी यहाँ बहुत गड़बड़ी, वो गुजराती था, बोले क्या गड़बड़ी? बोले इनको अपना बीवी में अपना पति में इनको विश्वास नहीं, कब ये बीवी छोड़ देगा, ये कब पति छोड़ देगा, कभी कुत्ता तो छोड़ेगा नहीं। ऐसे विदेश में ये सब चीज है आपको पता नहीं, हमको लगता है ना विदेश का जो रहन सहन चाल चलन है एकदम गंदी है, तुम सोच नहीं सकते इतने। इसलिए कहते जो मानव शरीर है ये बहुत भाग्य से भगवान ये मानव शरीर दिया। प्रहलाद बच्चों को कह रहे बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम, ये जीवन बन जाएगा, लेकिन मिट्टी जब पक जाती है तेरे से कुछ बन गए नहीं, मिट्टी जब कच्चा होगा उसमें जो कुछ बनाना बना दोगे, फूल जब खिला हुआ रहता है उसको ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हैं, लेकिन फूल जो मुरझा जाए सूख जाए फिर ठाकुर का चरण में चढ़ती है नहीं चढ़ती। जब कागज कोरा कागज हो, कोरे कागज में जो कुछ लिखोगे ना देखना स्पष्ट रूप में दिखेगा, लेकिन कागज में जो चरण छूती थी बच्चे लोग देख देख कर क्या करते, बुजुर्ग लोग का भी चरण छूना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहते भक्ति बचपन से करनी चाहिए, बुढ़ापा में नहीं, बुढ़ापा में नहीं, बचपन में जो आदत डालो वही आदत चिरकाल के लिए रहेगा। इसलिए हम लोगों को ये जीवन पाकर क्या करनी चाहिए, बचपन से भगवान की भक्ति बचपन से करो, और बच्चों को भी बोलो हरिनाम करें, बच्चों को भी बोलो हरिनाम करें। आप देखना शुद्ध देख लेना, अगर मैया माला बच्चा हो बच्चा से देखेगा मैया क्या कर रही, आंख मंदिर में बैठ जाती है देखना बच्चा भी आंख मंदिर में बैठ जाएगा। अगर माँ अगर हरिनाम करती है बच्चा देखना माला छीन करती बोले मैया क्या कर रही मैं भी करूँ, क्योंकि संस्कार किसका बढ़ती है, वो माँ के संस्कार उसको पड़ती है पहले सबसे पहले है, माँ के संस्कार पड़ती है। अगर माँ पिता मतलब भक्ति करेंगे तब तो बच्चों को भक्ति में लगाओगे ना, अगर तू खुद दिन भर स्मार्टफोन लेकर बैठे हो, दिन भर टीवी खोल कर दिन भर उल्टा पुलटा पिक्चर देख रहे हो बच्चा क्या सीखेगा? प्रहलाद को जब उसको छोटी माँ ने गाली गलौज की जब क्या बोली, बोले बाप कब तक रहेगा राज्य कब तक रहेगा, अरे भगवान की गोद में बैठो ना, जिसको गोद में बैठोगे वो उतरोगे नहीं, ये बाप माँ कितना प्रेम देंगे, इससे करोड़ों गुना प्रेम तो ठाकुर देने वाले। बोले माँ कहाँ रहते हैं, बोले बेटा उसको पाने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ता है, माँ की आशीर्वाद लेकर 6 महीना में प्रभु मिल गए, कितना दिन में मिले, आज जो मैंने
मैंने भगवान को प्राप्त किया ये माँ की कृपा से मिला, इसलिए माँ को उद्धार होने में बाकी है, समझ रहे हो? भजन करेंगे ना पहले तो तुम्हारी उद्धार होगा, लेकिन पहला गुरु माँ है। लेकिन अगर माँ भक्ति करेगा तभी बच्चे देख करके करेंगे, अगर खुद नहीं करोगे खूब उपदेश दोगे बच्चे कुछ भी करने वाले नहीं, इसलिए पहला गुरु माँ और पिता, ये पहला गुरु, ठीक है ना? इसलिए खुद भजन करो, बच्चों को भी भजन कराओ। देखो ना जिस घर में बच्चे भजन करते भक्ति करते वो घर ही, नहीं तो क्या होगा? देखने के लिए तीन बच्चे बैठे, एक जुआरी एक गजड़ी साखी है,
अंधकार इसका साखी है। ये 10 दिशाएं हैं, कभी ये 10 दिशाएं सबके सब साखी है। कोई भी काम हम छुपा करके नहीं कर सकते, इसलिए उसका नाम चित्रगुप्त, मतलब वो गुप्त रूप में सारे फटों को हमारी खेच रहे हैं। और मरने के बाद ना सब काफी खुलेगा, सब निकलेगा, तुमने क्या क्या काम हो गया। और चार काम पहले उसने किया है तब भी प्रभु का नाम ले रहे हैं। बोले क्या है, भले चंडाल क्यों नहीं हो, अगर वो व्यक्ति प्रभु का नाम लेता है, क्या समझो ये पूर्व जन्म में पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ कर चुका है, पूर्व जन्म में जितने सारे तपस्या पूर्व जन्म में कर चुका है, पूर्व जन्म में जितने दान पुण्य सब कर चुका है, पूर्व जन्म में जितने उसने तपस्या सब यज्ञ जितने सारे यज्ञ कर चुका है, तब भी इसी जीवन में कोई व्यक्ति हरि का नाम ले रहा है। इसलिए जो हरि का हाथ हाथ उठा, जोर से हाथ उठा, जोर से उठा, जो प्याज लहसुन खाते हो। हाँ देखो इधर सुना, ये जो प्याज लहसुन है ना, इसको नहीं खानी चाहिए। जैसे नवरात्रि आती है, आप लोग नवरात्रि करते हो, नौ दिन तक प्याज लहसुन खाते हो क्या? नहीं खाते। बोले क्यों नहीं खाते? क्यों? माता जी को पसंद नहीं, तभी तो नहीं खाते हो, है तभी तो नहीं खाते हो। क्या मैया को नौ दिन के लिए खुश रखना, उसको बाद में खा करके मंत्र पढ़ा दो एकदम जवान ही बन कर निकले। लेकिन जिस अंग का मांस उसने छुपा दिया था, वो तो डाला नहीं ना, वहां पर घाव बना हुआ। इतने में ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा ध्यान लगाया, बोले ये भरा क्यों नहीं? ध्यान लगा कर देखा, किसी ने ये मांस खाने के लिए ना उसने किसी ने छुपा करके रखा, फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जहां पर ये मांस को छुपाया, मांस जैसे लाल लाल रंग के, मांस जैसे ये मुगल लोग ने ये शराब मांस मछली अंडा ही हिंदुओं खाना नहीं, प्याज लहसुन ये सब के सब मुसलमानों का खाना था। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने लाकर लग 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 ल